हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जो भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, और पैर छूकर धन्यवाद कर रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज मैं वो प्लांट दिखाने वाली हूँ जो अगर एक बार हम नर्सरी से ले आएंगे तो हमेशा के लिए रह जाएगा और बेहद खूबसूरत भी लगता है। उसको इनडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को उसी प्लांट से मिलाती हूँ। और वो प्लांट है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी करता है और ऑक्सीजन भी देता है। तो चलिए मैं आप लोगों को मिलाती हूँ उसी प्लांट से। देखिए कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, और मतलब 2 दिन हो गए सुबह से ही हवा चलने लगती है, पता नहीं क्यों। नेट तो मेरे रुक ही नहीं पा रही है, इतनी तेज़ी से हवा चल रही है। चलिए मैं अपने प्लांट से मिलाता हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं फ्रेंड, ये है कोलियस, और इसकी बात मैं कर रही हूँ। अगर आपने एक बार नर्सरी से इसको ले लिया तो ये हमेशा के लिए रह जाएगा, कभी ख़त्म होने वाला प्लांट नहीं है। इतना ज़्यादा फैलता है कि पूछो ना। देख सकते हैं मेरे यहाँ से मतलब कितने सारे बेबी निकला हुआ है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब काफ़ी सारे निकल चुके हैं इसके। मैं चाहूँ तो इससे कई सारे बना भी सकती हूँ, लेकिन अभी तक मैं गर्मियों में नहीं इसको निकाली हूँ, क्योंकि गर्मियों में जैसे ज़्यादा धूप लगती है तो ये गल जाते हैं, इसकी वजह से मैं भी इनको ज़्यादा नहीं निकाली हूँ फ्रेंड। तो देखिए कितने सारे बेबी निकल चुके हैं, है ना। और ये जो यहाँ से जड़ होती हैं, इनको आप कट करके लगा देंगे तो ये यहाँ से ये जो रूट्स निकली हैं आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ से भी शुरू हो जाते हैं ग्रोथ करना। मैंने बहुत सारा बड़ा हो गया था तो मैंने कट किया है, और कट कर करके काफ़ी सारे लगा चुकी हूँ। और देखिए धूप की वजह से पत्तियाँ, क्योंकि इनकी पत्तियाँ ना बहुत कोमल होती हैं, तो धूप की वजह से सारी पत्तियाँ जली जा रही हैं। देख लीजिए आप किस तरह से धूप से पत्तियाँ जल चुकी हैं। नहीं तो पत्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और ये बहुत मतलब पत्तियों से तो इसकी सुंदरता बढ़ती है, जैसे इंसानों की बालों से सुंदरता है। कोई लेडीज है, अगर उसके बाल नहीं होंगे तो वो कहाँ से सुंदर लगेगा। इसी तरह प्लांट होते हैं, पत्तियों से ही उनकी सुंदरता होती है। तो पत्तियाँ फूल जो भी जिसके मतलब खिलता है वो उसी से सुंदर बढ़ता है, सुंदरता होती है। तो फ्रेंड देखिए इसकी लिप्स जो धूप में काफ़ी सारी ख़राब हो गई हैं। यहीं धूप में रखा रहता है, कभी जीना में रख लेती हूँ, नहीं बाकी तो यहीं पे ये रखा रहता है। और इसको एक मैं इसको जब लेके आई थी तो एक छोटा बेबी लेकर आई थी, और देखिए हवा कितनी ज़्यादा चल रही है। तो फिर मैंने एक लिप्स इसमें लगाया निकाल करके, देखिए इसकी कितनी मतलब बड़ी हो चुकी है ये यहाँ से। और इसे हम कट कर यहाँ से, यहाँ से, ये जहाँ यहाँ यहाँ से रूट्स निकली हैं इन्हें हम कट करके लगा भी सकते हैं। और दूसरा क्या है, जैसे बहुत बड़ा है तो हम ऐसे मिट्टी में इस तरह से दबा भी सकते हैं, तो ये रूट से तो नीचे मतलब जड़ पकड़ लेगी मिट्टी, तब फिर मैं यहाँ से कट कर दूँगी और यहाँ से कट कर दूँगी, बेबी इसका यहीं से निकल आएगा। तो इस तरह से हमें एक से अनेक प्लांट तैयार करना है। और इसके भी मैं देख लीजिए आप, ये हो गया और ये हो गया, और एक ये इसको देखिए, ये भी देखिए कितना मतलब लॉन्ग हो चुका है और बहुत बड़ा हो गया था फ्रेंड, तो मैंने कट कर दिया है और कट करके लगा लिया अलग अलग। देखो उनके बेबी निकलते हैं, मतलब छोटे छोटे निकलने लगे हैं, देख सकते हैं किस तरह से लिप्स ख़राब हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी लिप्स भी हटा लूँगी और आपसे बात भी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो फ्रेंड क्या है ना, अगर हम इनकी लिप्स नहीं हटाएंगे तो फिर ये दूसरी भी लिप्स इसी तरह ख़राब होने लगती है, इस तरह से हमें ये लिप्स हटानी पड़ती है। देखिए कितना खूबसूरत लगता है लिप्स के द्वारा। लेकिन अब इसको भी आप देख ही लीजिए, देखिए यहाँ से कितना सारा निकला है। अब थोड़ी सी बरसात हो जाए तो फिर मैं यहाँ से इनको कट करके सभी को अलग अलग लगाऊंगी। तो इसके भी आप ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं, एक से अनेक तैयार हो जाते हैं, और बहुत सारे। एक वहाँ पे रखा है जो यहाँ से आपको देखिए, मैं पास से जाके दिखा देती हूँ, एक वहाँ पर लगा है, एक यहाँ पर लगा है। चलिए मैं दिखा ही देती हूँ कहाँ कहाँ पर लगाया है, और इसकी कटिंग करके एक ये मैंने लगाया था यहाँ पे कट करके, ये देखिए लगा हुआ है।
और एक मैंने यहाँ पे लगाया था, तो ये मटके में देखिए लगा है, और ये जो पत्तियाँ निकली हैं तो मैं यहीं पे इनको मटके में दबा दूँगी, तो यहीं पे दबी रहेंगी। और आप लोगों को दिखा दो, एक मैंने इसमें लगाया था, तो फ्रेंड ये उधर साइड रखे थे, तो चूहा पता नहीं कहाँ से अंदर जाके मेरे इसको मिट्टी को मतलब ख़राब कर दिया है, अंदर जाके होल कर दिया था। तो फिर मैंने इधर दोनों को रख लिया, देखिए इसमें भी यही चीज़ लगा हुआ है, ये देखिए। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। और इसका जो दूसरा वैरायटी होता है ये है कोलियस सिगोनियस, इनके नाम है फ्रेंड। ये कई सारे वैरायटी होती है इनकी, और बहुत सारे इनके कलर्स भी होते हैं, कई कई सारे, एक रेड में आता है और बहुत सारे होते हैं। मैं थोड़ी सी इसको हटा लेती हूँ, क्योंकि इसके द्वारा ना यहाँ पे चींटियाँ जा रही हैं। इसमें से लगा हुआ है ये पता नहीं क्या है, देखिए इसमें से चींटियाँ। तो कैसा लगा ये मेरा सिगोनिया, आप लोग कमेंट बताइएगा। अगर आप नहीं लगाए हैं तो आप इसकी एक भी कहीं से इसकी ये मिल जाए, एक ठबे भी इसको मिल जाए ना, तो आप इसको लगा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा फैलता है और बहुत सारे तैयार हो जाता है। और देखिए ये दूसरा था, मतलब इसकी लाइनिंग यहाँ पिंक पिंक थी, तो ये अभी धूप की वजह से इसका कलर भी चेंज हो चुका है, देख सकते हैं आप। अरे ये जो लाइनिंग दिख रही है ये रेड में थी, मतलब पिंक हल्का हल्की थी, यहाँ यहाँ से खींचा था। और तो इसका भी कलर हवा की वजह, वो सॉरी धूप की वजह से चेंज हो चुका है। और ये तो इस तरह है, देख सकते हैं इसकी लिप्स, देखिए हवा कितना ज़्यादा, देखिए कितने कोमल लिप्स जहाँ निकालते हैं, अब फिर बाद में जैसे ही धूप लगती है तो ख़राब हो जाते हैं फ्रेंड। तो कैसे लग रहे हैं मेरे ये प्लांट, आप लोग कमेंट बताइए। 1 से 1000 तैयार करिए, नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप अंदर रखिए, बाहर रखिए, कहीं भी रखिए, हमेशा परमानेंट चलने वाला प्लांट है, कभी ख़राब नहीं होता फ्रेंड। सबसे बड़ी खासियत ये इसकी यही है कि अगर एक बार ऐड कर लिया तो कभी ख़राब नहीं होगा, हमेशा के लिए हो जाएगा, परमानेंट है, आउटडोर इनडोर दोनों में चल जाता है। अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, बहुत ज़्यादा बढ़त ले लेता है, और बहुत अच्छे से चलता है फ्रेंड। जहाँ पे रख दिया जाएगा वहाँ गार्डन में 4 चांद खूबसूरती बढ़ाता है। तो कैसे लगे मेरे प्लांट, आप लोग कमेंट बताइएगा। मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया मैंने माना के जीना लगे, कितने सुंदर हैं। देखिए हवा, हवाएं का प्रकोप कल भी था आज भी, समुद्र में लहरें उछल रही हैं ना, 2 दिन का हाई अलर्ट था, कल का दिन निकल गया, आज 15 है, देखते क्या होता है। भगवान की मर्ज़ी, भगवान जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, उनसे बड़ा कौन हो सकता है ना। तो फ्रेंड कैसे लगे, बाय बाय, लव यू माई गार्डन, लव माई फ्रेंड। और ये मेरे प्लांट, आप लोग कैसे लगे, कितना सुंदर है शिनकार के तेरी ले ओ नजर उतार, कितना प्यारा है, देखिए इसकी ये लिप्स यहाँ से गल चुकी, कितना प्यारा है, ओहो प्रभु जी मेरे मन मंदिर में बस जाओ, प्रभु जी मेरे मन मंदिर में बस जाओ। तो बाय बाय फ्रेंड, लव यू, लव माई गार्डन, लव माई फ्रेंड। कैसे लगे, देखिए हवा कितनी ज़्यादा चल रही है ना। तो बाय बाय, आप लोग इसको नहीं लगाए तो ज़रूर लगाइएगा फ्रेंड। कितना सुंदर कड़ाल का फ्लावर खिला हुआ है, क्या गजब को लग रहा है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं। और ये तीनों इस पॉट में लगे हुए हैं, और इसकी फ्लावरिंग देख सकते हैं आप।